शिवाय। अरे भाई, पहले मैं आप सबको ये बता दूं, व्हाइट फूलों का राज क्या है। शांति का प्रतीक होते हैं, लेकिन शांति किससे आती है? मन से। अगर भाई पहले मैं आपको सबको, सुखों का कारका कौन होता है? चंद्रमा। और जो सुख क्या कहता है, गाड़ी व्हीकल मकान के सुख, वो शुक्र देता है। अरे भाई, अगर सुख चैन लेना चाहते हो, व्हाइट फूलों को अपने पास रख लीजिए, सुख चैन आ जाएगा। ये तो मैंने फूलों के ऊपर बताया, लेकिन आज आपको एक और टिप देता हूँ, बहुत आसान टिप देने वाला हूँ। कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं हमारा घर नहीं बन पाता। बहुत से लोग होते हैं जिसका घर नहीं बन पाता। अरे भाई, घर बनाता है हमारा शनिदेव। शनिदेव घर बनाते हैं भाई। अरे शनिदेव को आसान तरीका क्या है कि हमारा जो घर बन जाए, पहले तो कई कुंडलियों में देखा गया शनिदेव बद्ध होते हैं। शनिदेव बद्ध क्या करते हैं, जब कभी सूरज के साथ शनि बैठ जाए, जब कभी शनिदेव बद्ध हो जाते हैं, जब कभी शनिदेव के साथ शनि पापी बन जाते हैं, जब कभी राहु बैठ जाए, जब कभी केतु बैठ जाए, शनिदेव पापी हो जाते हैं। जब कभी शनि तीसरे घर में आ जाए, शनि पंचम में आ जाए, ये घर नहीं बनने देते। उसके लिए बहुत आसान उपाय, अगर शनि तीसरे घर में आते तो लोग कहते हैं तीन कुत्ते पाल लीजिए। तीन कुत्ते कहाँ पाले जाते हैं आजकल, मैं कहता हूँ तीन कुत्तों का स्टैचू ले लीजिए। लेकिन अगर पंचम में शनिदेव आ जाए तो क्या करना चाहिए? अरे पंचम में शनि आते तो औलाद के लिए हानिकारक होते हैं। अरे भी पहले मैं मकान के बारे में बताता हूँ, फिर बाद में अगर जिसका मकान नहीं बन पाता उसके लिए बहुत आसान उपाय कीजिए। तो पहला उपाय, सबसे पहला उपाय आपने क्या करना है, जो मजदूर वर्ग होता है, मजदूर वर्ग जैसे कि आपकी फैक्ट्री में लगे हुए हैं या कहीं भी लगे हुए हैं, उनको मीठा बांटिए हर शनिवार को, हो सके तो काले गुलाब जामुन। इससे क्या होता है, शनि को शुक्र मिल जाता है, क्योंकि काला गुलाब जामुन शनि और बीच में मिठास शुक्र, और जब कभी शुक्र और शनि का मेल होता है, मकान खुद बे खुद बनने शुरू हो जाते हैं। ओम नमः शिवाय।